नमस्कार दोस्तों, आई एम शेफ दिवस। आई एम द एग्जीक्यूटिव शेफ एट क्राउन प्लाजा मयूर विहार एंड विद द इनिशिएटिव ऑफ अमूल टुडे वी आर गोइंग लाइव विद द रेसिपी। थैंक्स टू अमूल हु हैज गिवन अस दिस प्लेटफॉर्म टू बी अ पार्ट ऑफ देयर पेज एंड टू शो आवर व्यूअर्स हाउ टू डू क्विक इजी होममेड रेसिपीज। आई हैड रिसीव वेरियस इनपुट्स फ्रॉम द पीपल ऑल अराउंड कि कुछ ऐसी रेसिपी बताइए जो क्विकली बच्चों के लिए हो जाए, पास्ता रेसिपी जो न्यूट्रिटिव भी हो, हेल्दी भी हो। आई नो दिस इज एग्जामिनेशन टाइम एंड मोस्ट ऑफ अस आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर के बच्चों को न्यूट्रिटिव और हेल्दी चीज मिले। बट यस, ऑन द अदर हैंड साइड वो रेसिपीज जो बच्चों को काफी हेल्दी लगे। सो फ्रॉम द किचन ऑफ क्राउन प्लाजा मयूर विहार आई एम ब्रिंगिंग यू अ सिंपल होम मेड रेसिपी विच वी ऑल विल एंजॉय। आज की रेसिपी का जो नाम है वो है ग्रिल कोरिएंडर मस्टर्ड कॉटेज चीज स्टेक विद पेने अराबियाता। पेने, जैसा कि आप जानते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ पास्ता विच इज सिलेंड्रिकल शेप। मैं यहाँ पर आपको आज बेसिक पास्ता कुक करने के भी कुछ नियम बताऊंगा और ग्रिल कॉटेज चीज स्टेक यानी कि कॉटेज चीज का एक स्टेक जिसके बीच में कुछ स्टफिंग होगी और अराबियाता सॉस। अराबियाता सॉस इज बेसिकली स्पाइसी टमेटो सॉस। यस, इन द इटालियन रीजन पीपल वर डेडिकेटेड टू दिस सॉस फ्रॉम अरब्स। उन लोगों ने ये सॉस अरेबिक लोगों के लिए डेडिकेट करी थी क्योंकि ये स्पाइसी रोबस्ट टमेटो सॉस है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट से हम कोई भी अपने लीडिंग स्टोर से जब भी हम पास्ता खरीदते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, वेदर इट इज़ एन इंडियन मेक और इट इज़ एन इटालियन मेक। प्रेफरेबली इटालियन मेक हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें ड्यूरम वीट होगा और जिसके अंदर ग्लूटेन कंटेंट अच्छा होता है। ग्लूटेन यानी कि प्रोटीन की स्ट्रेंथ। अक्सर आप देखेंगे आपके पास्ता पे ऊपर कुकिंग टाइम लिखा होता है 7 to 9 minutes। आई वुड रिक्वेस्ट शगुन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द कैमरा तो प्लीज कम क्लोज एंड शो। इस पे 7 to 9 minutes लिखा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हमें क्या करना चाहिए? 7 to 9 minutes लिखा है मगर फिर भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मेरे को कहते हैं हमारा पास्ता तो कच्चा रहा, हमें मज़ा नहीं आया, हमें ओवर कुक खाना पड़ा। तो पास्ता खाने के लिए भी बहुत सारे मिक्सअप्स हैं, बहुत सारे एजेंडाज हैं जो हम लोग फॉलो नहीं करते। बेसिक रूल्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। एक उबलता हुआ पानी लेंगे हम, रैपिड बॉइलिंग वाटर जिसे हम कहते हैं। उसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, यस फ्रेंड्स, अगर हम इटालियन कुजीन बना रहे हैं तो हमें ऑलिव ऑयल का यूज करना बहुत जरूरी है, एक टेस्ट के लिए भी और दूसरा इट्स अ हेल्दी वर्जन ऑल्सो। इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, आप चाहें तो थोड़ी अच्छी मात्रा का सॉल्ट डाल सकते हैं पानी की मात्रा देख करके। और हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पानी जिसमें आप पास्ता ब्लांच कर रहे हो वो थोड़ा खुले बर्तन में हो, थोड़ा खुला हो, क्योंकि पास्ता को खुले पानी में ही बॉईल किया जाता है। आइए, इस रेसिपी के लिए एक सर्विंग के लिए हमें 65 ग्राम चाहिए होता है। बाकी अगर आप अपनी पूरी फैमिली के लिए कुकिंग कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड इस रेसिपी को आगे ट्वीक कर सकते हैं। मैं इस पोस्ट के साथ रेसिपी भी शेयर कर दूंगा। हम इस उबलते हुए पानी में जिसमें हमने ऑलिव ऑयल और सॉल्ट डाला है पास्ता डाल देंगे और जैसा कि ये पैकेट के ऊपर लिखा था 7 to 9 minutes तक हम इसको ब्लांच करेंगे, कुक करेंगे। परंतु यहाँ पर मैं आपको एक गोल्डन रूल सिखाता हूँ, जब भी कभी पैकेट पे जो भी टाइम लिखा है हर 5 मिनट पे आप 1 मिनट कम कर देंगे। तो मेरी घड़ी इस समय दिखा रही है, मेरी घड़ी इस समय 12:05 दिखा रही है। तो मैंने ये 5 to 7 minutes कह रहा है तो मैं 1.5 minutes यहाँ पे कम कर दूंगा, तो यानी मैं इसको 12:11 पे निकाल दूंगा। तब तक दोस्तों हम दूसरी तरफ चलते हैं अपना कॉटेज चीज स्टेक प्रिपेयर करने के लिए। और हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप पास्ता जब भी डाल देते हैं तो वो बर्तन में नीचे जाके बैठ जाएगा क्योंकि स्टार्च है, तो उसको एक बारी दो बारी हिला देना भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो लीव इट लाइक दैट। एक और मैजिकल ट्रिक,
यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 6.5 मिनट के करीब इसको कुक करेंगे, आप चाहे तो 4 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर सकते हैं, उस गर्म पानी में भी पास्ता कुक हो जाएगा। आइए अब हम अपना कॉटेज चीज स्टेक बनाते हैं। यहाँ पर मैंने पनीर का एक ब्लॉक लिया है और बंट नाइफ जो कि एक जिगजैग नाइफ है, विच इज इजीली अवेलेबल इन आर इन योर लीडिंग ग्रोसरी स्टोर, उसकी हेल्प से मैं इसको काटूंगा। आप देखेंगे इस नाइफ की हेल्प से इसमें जिगजैग कट आए हैं, मैं दोबारा करके दिखाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको नीचे तक ले गया। चलिए दोस्तों अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग के लिए हम एक पैन में आ जाएंगे, और पैन में हम ऑलिव ऑयल डालेंगे। यू कैन बी लिटिल जेनरस। यहां पर हम सबसे पहले चॉप गार्लिक, डालेंगे। साइड बाय साइड हम अपने कॉटेज चीज की मैरिनेशन भी बना रहे हैं। कॉटेज चीज की मैरिनेशन के लिए एक प्लेट में मैंने मस्टर्ड लिया है, मस्टर्ड पेस्ट, डिजो मस्टर्ड हो तो इफेक्टिव है, कोरिएंडर, थोड़ा सा क्रश पेपर, सॉल्ट, ऑलिव ऑयल। ये देखिए ये मेरी मैरिनेशन मैंने एक प्लेट में साइड में रख दी है। मैं शगुन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको उसका क्लोजअप दिखे। आइए अब देखिए हमारा जो गार्लिक है वो सौते होना शुरू हो गया, लगभग लाइट गोल्डन कलर तक हम इसको कुक करेंगे, वरना गार्लिक कच्चा रहे तो उसका भी मजा नहीं आता। अब हम इसमें अनियंस, चॉप अनियन जो कि है, कैरेट्स, डाइसेस ऑफ पोटैटो, और यहां पर मेरे पास ब्लांच स्पिनच पड़ा है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं इस रेसिपी में बहुत सारे वेजिटेबल्स यानी कि कार्ब से लेकर के प्रोटीन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी अच्छी रही, इसलिए मैंने इसमें काफी सारे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। तो किड्स को फास्ट फूड से दूर रखने के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है रहेगी, एंड प्लस दे विल ऑल्सो इंजॉय मामा क्रिएशन। सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा पेपर, अगेन यू कुड बी जेनरस इफ यू वांट। अपने पास्ता को फिर स्टर कर लेंगे, लहरा भी बहुत कुछ हुआ नहीं है इसमें। और एक खुले बोल में हम इसको निकाल देंगे ताकि ये फटाफट ठंडा भी हो जाए। मेरी घड़ी में 1.5 मिनट रह गया पास्ता को कुकने के लिए, तब तक मुझे लगता है मैं कॉटेज चीज की स्टफिंग कर लूंगा। मैंने जो मैरिनेशन बनाई थी मैंने उसको क्विकली अपने हाथों से कॉटेज चीज के ऊपर मैरिनेट किया है,
और ये जो स्टफिंग है मैं इसको बीच में फिल कर रहा हूँ। दोस्तों आप ये क्वेश्चन पुट अप कर रहे होंगे कि पनीर ही क्यों? यस, बिकॉज इट इज वन ऑफ द स्टेपल डाइट्स ऑफ आर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसलिए पनीर ज़्यादा प्रेफर होता है। सो ये मेरे कॉटेज चीज स्टेक्स मैरिनेट हो गए, स्टफ हो गए, रेडी हो गए। तो ये तो हो गया हमारी रेसिपी का एक पार्ट। आइए मैं देखता हूं मेरा पास्ता कहां तक पहुंचा है। हम एक पीस पास्ता निकाल लेंगे, ये देखिए, और मैं आपको आज बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पास्ता कुक हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा शगुन को वो क्लोजअप में ले जा करके दिखाए। इसमें एक लाइन कच्ची की है पास्ता के बीच में वाइट दिख रहा है आपको रिम, ये रॉनेस है, यानी कि पास्ता ऑलमोस्ट डन है। दिस स्टेज ऑफ कुक्ड पास्ता इज कॉल्ड फिल द फूड विच इज जस्ट बिफोर अल डेंटे, एंड दिस इज द स्टेज विच वी एक्चुअली वॉन्ट टू कुक आर पास्ता। यानी ये इंडिकेशन है कि मैं पास्ता को कंटेनर से बाहर निकाल सकता हूं। यहां पे मैं हल्का सा ऑलिव ऑयल डालूंगा, जो कि एक स्टैंडर्ड रूल है कि आप स्टार्च का कुछ भी बॉईल करते हैं, ब्लांच करते हैं, वो आपस में चिपके ना, इसलिए आप उसे हल्का सा ऑयल लगा के आई विल पुट इट बाय साइड। तो मेरी रेसिपी की फाइनल स्टेज आ गई है जहां पर मेरे को सॉस कुक करनी है। सो आए, अब हम सॉस कुक करते हैं। सेम पैन, नॉनस्टिक पैन, उसमें आप ऑलिव ऑयल डालेंगे। इस बार आप थोड़ा सा और जेनरस होंगे ऑलिव ऑयल डालने में, 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। एक बार जब मेरा पैन गर्म हो जाएगा, अब मैं उसमें चॉप गार्लिक, आई लाइक गार्लिक, इसलिए मैं 1/2 टेबल स्पून से ज्यादा इसमें डाल रहा हूं। आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। अगेन गोल्डन रूल इज टू कुक गार्लिक परफेक्ट। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे ये भी मेरे से पूछते हैं कि हमारा गार्लिक एकदम से गोल्डन ब्राउन होता है और फिर बर्न हो जाता है, तो जैसा मैंने आपको अभी करके दिखाया, मैंने अपनी फ्लेम को ऑफ कर दिया है, या आप चाहें तो उसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं ताकि उसकी कुकिंग एकदम से कंट्रोल हो जाए। अनियंस, लीक्स एंड सेलरी, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एरोमेटिक vegetables which are used in cooking sauces generally, carrots. Friends, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है छोटी छोटी carrots, जब ये sauce में specially bite में बीच में आती है। अब मैंने अपनी flame को on कर दिया है और मैं फिर saute करूँगी।
इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस रेसिपी और एनीथिंग एल्स आई एम मोस्ट हैप्पी टू आंसर यू. देखिए अब हमारी वेजिटेबल्स लगभग लगभग कुक हो चली हैं, तो हम इसको थोड़ा लो फ्लेम पे करेंगे. यहाँ पर मैं ब्लांच टमेटोज डाल रहा हूँ. मैं भी आपको समझाऊंगा ब्लांच टमेटोज क्या होते हैं. ये डाइसेस हैं ब्लांच टमेटो के, विच इज डी सीडेड एंड डी स्किन ऑल्सो. क्योंकि ये सॉस अरबिया का है जो कि एक स्पाइसी सॉस है, तो मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल रहा हूँ. इंडियन टेस्ट बड के हिसाब से हमें स्पाइसी नेचर सॉस का पसंद आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये सॉस चूज करी है आप लोगों के लिए. थोड़ा सा हम इसको सोटे मारेंगे एक साथ, और यहाँ पर मैं इन्हीं टमेटोज का जो बचा हुआ पानी है वो भी ऐड करूँगा. Now what is blanched tomatoes? Let me tell you, आप टेबल टमेटोज को ले सकते हैं. आप उनको होल टमेटोज को पीछे से आई उसकी रिमूव करके और ऊपर से उसको स्लिट करके क्रॉस शेप में बॉइलिंग वाटर में सॉल्टेड बॉइलिंग वाटर में डिप करिए, और उसके बाद आइस कोल्ड वाटर में उसको निकाल के डाल दीजिए. 10 seconds फ्रेंड्स, यू हैव टू जस्ट काउंट टिल 10 वंस योर टमेटोज आर इनसाइड द बॉइलिंग वाटर एंड रिमूव इट. उसके बाद उसकी स्किन ऐसे उतरेगी बिल्कुल आराम से. आप स्किन उतार के उसको ऐसे ही पील ऑफ करके रख सकते हैं. एंड देन यू हैव टू चॉप इट, कीपिंग इन पॉइंट कि उसके सीड्स और वाटर अलग हो जाए, और जो शेल है जो स्किन है थिक स्किन को हम यूज करें यहाँ पे. इससे बेनिफिट ये रहता है कि ये एक अलग सा स्वीट सा टेस्ट देती है ये टोमेटो सॉस में. अगर आप विद स्किन टोमेटो उसको करते हैं तो उसमें एसिडिक वैल्यू ज्यादा आ जाती है. एंड वी ऑल नो सब कॉन्टिनेंट टोमेटोज यानी इंडिया में जो टमाटर पाए जाते हैं वो खटास उनमें ज्यादा होती है. यहां पर मैं 2 tablespoons टोमेटो प्यूरी डाल रहा हूं. आप चाहे तो लीडिंग स्टोर से टोमेटो पेस्ट भी ले सकते हैं और अपनी सॉस को फिनिश कर सकते हैं. सो आई विल लेट दिस बॉयल एंड कम टू अ कंसिस्टेंसी वेयर इन ये सॉस कंसिस्टेंसी हो जाए. मीनवाइल मैं अपने कॉटेज चीज स्टेक को भी ग्रिल करने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए और आपके साथ जो हमारी आधे घंटे की अपॉइंटमेंट है वो ज़्यादा लंबी ना खींचे, इसलिए हमें आज की रेसिपी को कंप्लीट करना. तो मैं एक पैरेलल पैन पे उसको भी करना चाहूँगा. यहाँ मैं अपनी सॉस को सीजन करूँगा सॉल्ट. आप देखिएगा मेरी शगुन, आप इसको बिल्कुल क्लोजअप लेके जाइएगा. सॉल्ट डाला मैंने, थोड़ा सा मैंने पेपर डाला है, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी नॉर्मल शुगर डाल रहा हूँ. आप देखिएगा मेरी सॉस बिल्कुल ब्लड रेड है. दैट इज व्हाट अ गुड टोमेटो सॉस शुड बी लाइक. पैरेलल पैन में जिसमें मैं अपने स्टेक को कुक करूँगा उसमें मैं ऑलिव ऑयल डाल रहा हूँ. और फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो टोमेटो सॉस के साथ है, यानी कि टोमेटो सॉस और पास्ता की जो मैरिज है वो तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक बेजिल उसमें अपना फ्लेवर इंडोर्स नहीं करते. यहाँ पर मेरे पास बेजिल के पत्ते हैं, मैं उनको रफली हैंड से टियर करूँगा ताकि उनका एक नेचुरल फ्लेवर मेरी सॉस में जाए, और मैं उसको डाल दूँगा. ये 4 to 5 बेजिल के पत्ते हैं, ज़्यादा नहीं है. आप चाहें अगर आपको ये बेजिल का फ्लेवर टेस्ट अच्छा लगता है तो आप इसको क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. वेल आई लाइक, इसलिए मैं थोड़े से और डाल देता हूँ. सो आइए दोस्तों अब हम अपने पैन को चेक करते हैं कि उसका हीट लेवल क्या है. यस इट इज गुड ऑन हीट.
let us do one by one so that we achieve the perfect color. आप चाहे तो इसे साइड से लिफ्ट करके देख सकते हैं कि वो कलर आ गया या नहीं। Time to quickly turn it. See, this is what golden color I was talking about. और ये golden color हमें देखना है। और ये सिर्फ एक simple fancy knife या blunt knife की help से achieve हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी sauce भी ready है लगभग, और मेरा steak भी ready है। तो मैं अपनी सॉस की फ्लेम तेज करते हुए क्यों ना उसमें पास्ता डाल के उसको फिनिश करता हूँ। स्टेक का दूसरी साइड का कलर भी एकदम बढ़िया आ चुका है, पास्ता भी सॉस में अपना फ्लेवर दे रहा है। हम इस स्टेक को निकालेंगे, प्लेट पे रखेंगे, दूसरे स्टेक को डालने की तैयारी करेंगे। यस, व्हिच वी हैव डन। और इधर हमारा पास्ता भी हमें बुला रहा है कि आई एम रेडी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको पास्ता को सॉस में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट कुक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी डननेस बहुत बढ़िया थी पास्ता की। यहाँ पर अब हम गोल्डन कलर नहीं आया था, मैं थोड़ा जल्दी हो गया। यहाँ पे अब हम अपना पास्ता फिनिश करेंगे। फिनिश करते वक्त आप चाहें तो ओरिजिनली ऑलिव ऑयल से फिनिश होता है, बट बीइंग एन इंडियन वी लाइक अमूल बटर, इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। और एक डैश सिर्फ अमूल क्रीम। और मैं यहाँ फ्लेम को ऑफ कर दूंगा। एंड पार्मेसन चीज, यस दैट्स एन इटालियन चीज फॉर योर पास्ता, इसको मैं डाल दूंगा। तब तक मैं अपना स्टेक देखता हूँ। यस, इट्स अ नाइस गोल्डन कलर। दोस्तों, पास्ता को फिनिश करने का भी एक स्टाइल होता है, ऑफ फ्लेम करके अब आपको इसको टॉस करना होता है, जिससे कि जो आपने बटर या ऑलिव ऑयल और पार्मेसन चीज़ डाला है वो एक अच्छा फ्लेवर देते हैं आपकी सॉस में और आपकी डिश को कंप्लीट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम प्लेटिंग करेंगे। मैं शगुन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने कुक टॉप के ऊपर ही प्लेटिंग करें, क्योंकि एक तो उसका ब्लैक बैकग्राउंड होने से, दूसरा वो सेंटर भी रहेगा। दोस्तों, पास्ता को प्लेट करने के लिए हमेशा एक गोल्डन रूल है। अगर आप शॉर्ट पास्ता यानी कि पेने, फारफेले, फ्यूसली कर रहे हैं, तो आप उसको एक लैडल में लेकर के प्लेट के सेंटर में डालते हैं। आप बस पास्ता को एक ही जगह पे टॉप डालते रहते हैं एंड उसको फ्री फॉल होने देते हैं। ये देखिए, इट शुड बी फॉलिंग नेचुरली। प्लीज डोंट वरी कि मेरी प्लेट साइड से गंदगी हो रही है या क्या हो रहा है। वी ऑलवेज हैव अ चांस टू क्लीन इट। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे मैंने अपना कॉटेज चीज स्टेक इनटू टू कट कर लिया है और मैं उसको वन बाय वन ऑन टॉप ऑफ ईच अदर पोर कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं टमेटो सॉस उसके साइड में पोर करूंगा। कमिंग टू द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ गार्निश, I have some sun-dried tomatoes. I have some crispy fried leeks and the universal garnish, which is Parmesan cheese. An average Italian eats around 200 grams of Parmesan cheese in his daily diet. So, बिलीव मी, चीज खा के कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेता। यस, यू कैन बैंक ऑन मी। सो आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट रेसिपी विद ऑल न्यूट्रिटिव वैल्यू विच इज कॉल्ड ग्रिल कॉटेज चीज कोरिएंडर मस्टर्ड स्टेक ऑफ विद पेने अरेबियाटा। दोस्तों, आई वुड लव यू टू रेट अस, आई वुड लव यू टू लाइक अस ऑन आवर पेजेस विच इज क्राउन प्लाजा मयूर विहार, एंड दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त शेफ दिवस। आप जरूर अपना कमेंट देकर के बताइएगा ये रेसिपी कैसी रही। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर सेशंस लाइक दिस इन नियर फ्यूचर ओनली, एंड आई शैल टेक अनदर चांस टू थैंक अमूल हु हैज गिवन अस दिस राइट टू कम ऑन देयर पेज एंड शो यू सिंपल एंड क्विक रेसिपीज फ्रॉम द होटल क्राउन प्लाजा मयूर विहार। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, and we will share the recipe very soon.